हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक के बारे में। जी हाँ, फेसबुक में एक नया अपडेट आया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, फेसबुक में एक नया अपडेट आया है। अगर आप उस अपडेट को यूज करना चाहते हैं और कैसे आपको वह अपडेट मिलेगा, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, कौन सा स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है उस अपडेट को पाने के लिए, तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे उसको यूज करना है और कैसे आपको वह अपडेट मिलेगा। यह सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप फेसबुक यूजर हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यह अपडेट कैसा अपडेट है, क्योंकि फेसबुक में यह अपडेट बाद में आया है, पहले यह अपडेट इंस्टाग्राम में आ गया था। अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप समझ गए होंगे कि कैसा अपडेट है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जब हम स्टोरी लगाते थे, वही स्टोरी आपकी फेसबुक स्टोरी में भी शेयर हो जाती थी। और वह स्टोरी कैसे शेयर होती थी, क्योंकि हम अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करते थे। और कैसे हम अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करते थे, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखिए और आप अपने फेसबुक आईडी को इंस्टाग्राम आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो भी स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे लगाओगे, वही स्टोरी आपकी फेसबुक स्टोरी में शेयर हो जाएगी। ऐसा ही अपडेट अब आपकी फेसबुक स्टोरी में आया है, तो आप जो भी स्टोरी आप अपनी फेसबुक स्टोरी में लगाओगे, वही स्टोरी आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर हो जाएगी। और कैसे होगी और कैसे आपको यह अपडेट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्रिएट स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो भी फोटो अपने फेसबुक स्टोरी में शेयर करनी है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करनी है, वह फोटो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट कर लेने के बाद मुझे बात याद आई अभी कि एक एनिमेशन का अपडेट आया था। इस अपडेट से पहले एक अपडेट आया था एनिमेशन का, तो मुझे यह अपडेट मिल गया। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई, मुझे यह एनिमेशन का अपडेट नहीं मिला है, मैंने अपनी फेसबुक आईडी को भी अपडेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी को एक चीज़ बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक साथ अपने यूजर को कोई भी अपडेट नहीं देते हैं, स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहले 10 को दे दिया, फिर 20 यूजर्स को दे दिया, फिर 40 को दे दिया, ऐसे करके आप सभी फ्रेंड्स को यानी सभी यूजर को देते हैं। और व्हाट्सएप होता है, वह सारे जो भी अपडेट होते हैं वे एक साथ अपने सभी यूजर्स को देते हैं। तो जैसे जैसे आपका नंबर आएगा, तो आपको एनिमेशन वाला भी अपडेट मिल जाएगा। और कैसे आपको एनिमेशन का अपडेट यूज करना है, इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको यह अपडेट यूज करना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपकी जो भी फ़ोटो आपने सेलेक्ट की है, और तो नीचे सबसे लेफ्ट साइड में आपकी प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथर सेटिंग, यानी कि आपको अपनी फेसबुक जो भी स्टोरी लगाओगे, वह आपकी इंस्टाग्राम पे शेयर तब होगी जब आप यह सेटिंग ऑन कर दोगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सेटिंग मैंने ऑफ कर दी, अब यह मैंने ऑन कर दी। जब आप यह सेटिंग ऑन कर दोगे और जो भी स्टोरी मैं यहाँ पे फेसबुक पे लगा रहा हूँ, यह आपकी इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो जाएगी। और जो यह जो ऑप्शन है ऑथर सेटिंग वाला, यह आपको कैसे मिलेगा, यह आपको अपनी फेसबुक आईडी और फेसबुक मैसेंजर को अपडेट करने के बाद मिलेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, यह जो भी अपडेट होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, यह स्टेप बाय स्टेप मिलता है, एक साथ सभी यूजर्स को नहीं मिलता है। इसके बाद मैंने इसको सेटिंग को ऑन कर दिया है। ऑन कर देने के बाद आपको बैक आ जाना है। आप देख रहे हैं कि मेरी सेटिंग अपडेट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे शेयर टू स्टोरी के नीचे आप देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो भी आ गया है। इसके बाद आपको जो भी म्यूजिक लगाना है, लिरिक्स लगाने हैं, जो भी लगाने हैं, आप यहाँ पे लगा के इस वाले ऑप्शन सबसे ऊपर जो राइट साइड में जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो भी म्यूजिक लगाना है या फिर जो भी लगाना है, वह लगा के आपको अपनी फेसबुक स्टोरी को अट्रैक्टिव बना के आपको अपलोड कर देनी है, या फिर शेयर टू स्टोरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर टू स्टोरी के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपकी यह स्टोरी है, यह आपकी शेयर होने स्टार्ट हो जाएगी।
जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यह मेरी स्टोरी शेयर होना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखा, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह मेरी जो स्टोरी है यह शेयर हो गई है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह मेरी स्टोरी शेयर हो गई है। तो अब मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं स्टोरी सच में शेयर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, योर स्टोरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं वही स्टोरी मेरी यहाँ पर शेयर हो गई है। अब मैं आपको फेसबुक में लेके चलता हूँ, तो फेसबुक में ले जाता हूँ तो योर स्टोरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मेरी स्टोरी शेयर हो गई है। तो यह जो अपडेट था, यही एक नया अपडेट आया था जो आप अपनी फेसबुक स्टोरी को इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। पहले आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते थे तो आपकी फेसबुक में शेयर होती थी, अब आप फेसबुक में भी शेयर करोगे तो आपके इंस्टाग्राम पे भी शेयर होगी, लेकिन आपको वह सेटिंग ऑन करनी होगी। और वह सेटिंग आपको कैसे मिलेगी, आपको अपनी फेसबुक आईडी को अपडेट करना है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है somvir.official, यह मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।